हाँ एकदम गाइस चल रही बढ़िया वाली। यहाँ पे सरसराती भी घर के अंदर तो ऐसी उमस लग रही है ना, क्योंकि गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस बारिश हो चुकी है, अभी देखेंगे यहाँ पे बहुत तेज पानी गिर रहा भाई मेरे आगे तो बारिश यार बहुत दिनों से क्या था, गर्मी से पूरे हाल थे और आज ले देखे फाइनली बारिश हो रही है भाई साहब, तो फुल एंजॉय लेना है बारिश का, बिकॉज अभी क्या थोड़ा ठंड भी लग रही है। बारिश हुई है बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडक से राहत मिली है, नहीं तो ऐसा गर्मी से बहुत बुरा हाल था। पर कहीं आज घूमने चलते हैं, आम तोड़ने थे बिकॉज अब पेड़ गिल्ला हो गया तब नहीं जा पाएंगे, तो अब कुछ और देखते हैं। सो फाइनल गाइस नहा धोके रेडी हैं, पूजा वगैरह भी कर लिए, तो चलिए अब नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं घूमने जाएंगे तो, क्योंकि मौसम आज बड़ा सॉलिड है यार। तो गाइस खाना वगैरह तो खा लिया मैंने, अभी फिलहाल खेत की तरफ आया हूँ ऐसे घूमने के लिए, कहीं गाय वगैरह तो नहीं आई क्योंकि उजाड़ आ जाता है ना, घास बोया हुआ है तो इसी को हमारी गाय वगैरह क्या है इसी को देते हम काट के। इस गाय तो है शायद ये है, अभी दूर है मतलब खेत से ना, तो अभी आएंगी नहीं है पास में, मतलब एक तो क्या है गाय कर देती है बहुत ज़्यादा नुकसान खेत में घुस के, फिर ऊपर से क्या है भाई जब ये दूसरे के डंगर सब खा जाएंगे तो हमारा जानवर क्या खाएगा भाई, तो इसलिए उनकी भी रक्षा करनी पड़ेगी ना भाई, जैसे हम अपने खाने की रक्षा करते हैं ना गाय, तो भाई अपने जो हमारे गाय बाछी हैं तो इनकी भी खाने की रक्षा करनी पड़ेगी, अन्यथा कोई दूसरा बाहरी जीव आकर के वहाँ मुंह साफ करके चले जाएगा फिर रहो ऐसी। ये जो देख रहे हैं गाइस ये पूरी ये चरी घास है ये, तो अभी क्या है इसे हम काट काट के ले जा करके देते रहते हैं अपने जानवरों को, तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे क्या था उजाड़ आ गया था तो खा दिया था यहाँ पे बहुत सारा ना, तो अभी फिलहाल यहाँ पे ठीक है इतना हिस्सा बचा हुआ है, कोई बात नहीं इससे काम चल जाएगा। और अब तो हमारे जामुन के पेड़ में भी गाइस जामुन आ गए हैं, बस पकने की थोड़ी सी देर है, फिर अभी आम का सीज़न है आम ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या है जामुन का भी सीज़न आएगा जामुन भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब लगा लो गाइस यहाँ पे क्या है 12 महीने यहाँ कुछ ना कुछ फल मिलता रहेगा, अमरूद है आम है लीची है केला है, मतलब सारी वैरायटी इधर ही है गाइस, सब्जियों की भी हो गई फलों की भी हो गई। हाँ एकदम गाइस चल रही बढ़िया वाली यहाँ पे सरसराती भी घर के अंदर, तो ऐसी उमस लग रही है ना क्योंकि सुबह गर्मी हुई तो उससे उमस हो गई बहुत ज़्यादा, अब उमस हो रही तो कसम से ऐसी हो रही ना बहुत गर्मी वाली स्थिति, थोड़ा हवा वगैरह यहाँ पे खा के देख लो चारों तरफ हरियाली, तो इसलिए हरे नेचर के पास में आ करके अपना काम वगैरह करो बढ़िया करके। हो चुके हैं हम उठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ क्योंकि मोहल्ले में देखते हैं ना क्या होने वाला है, लोग कहाँ हैं कौन क्या कर रहा है, तो चलिए एक ताऊ ये दाढ़ी खुजाते हुए जा रहे हैं, सब्जी वाला आया है भाई ये देखो पीछे सब्जी बिक्री। तो गाइस गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा बिकॉज बारिश नहीं हो पा रही, अब देखो क्या होता है आगे का जो समीकरण बनेगा, फिलहाल तो बैठा हूँ घर के बाहर किसी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई तो आ जाएगा कुछ तो खटर पटर खुरापात करके जाएगा, इंतजार है तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस इस समय मैं आ चुका हूँ सिडकुल एरिया में थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पे सुना है रौनकें आती हैं, अब वो रौनक तो देख नहीं रही पता नहीं कहाँ है, बट रोड में कुत्ते जंगली जानवर यही दिखाई दे रहे भाई, तो गाइस अभी चलते हैं पहले देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा यार। ए अब ऐसा तुम रोड पे सो रहे हो हैं, अबे तेरे चोट लग रही थी भो आ कम हेलो हाँ क्या हो गया, सही तो है भयंकर ये, पर ऐसे रोड में मत बैठा करो यार, कोई गाड़ी बूढ़ी भयंकर चिपका के चली जाएगी तुम्हें रोड पे, खुजली हो रही तेरे की दवाई देनी पड़ेगी इसे गाइस, इलाके का मुआयना भैया कुत्ते हो रहे हैं बहुत परेशान, तो इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, चलो जी पायलट साहब तो अभी हम क्षेत्रीय दौरे पे। सो अमेजिंग शाम हो चुकी है, फुल एंजॉय गाइस, अभी घूमेंगे शाम के टाइम पे अपने क्षेत्र के साथ।
ऐसा है, दो दिन भी आता है, तीन दिन नहीं आता, फिर घर पे बैठ जाता है, बहुत इज्जत भूख लग जाती है। तो भाई फाइनली पूरे दिन आवारा गर्दी करके घर पहुंच चुका हूं। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और इसी तरीके से जो अपना प्यार बनाए रहे हैं ये अपना बरकरार रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ।